के लिए क्या? मध्यमान सुने वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते, वहां पर घर मक्खन है, मिश्री है, राबड़ी है, दूध है, दही है, ये सब पनीर है, चारों तरफ में बह रहा है, वहां पर खाने के लिए। और दर्शन करने के लिए सवेरे यहाँ आरती 4 बजे हुआ और सब एकदम निकल भुकर के स्त्री और पुरुष दोनों निकल पड़ते हैं और वहाँ गोविंद जी का दर्शन करके हाथ उठा करके गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल, वो वृंदावन अच्छा। हम चाहते हैं कि सब जगह वृंदावन रामकृष्ण की और सावित्री जैसी, सीता जैसी माताएं, गांधी जैसी बहने, न्याय हो उनकी और सब जगह वही भाव और सुख ही सब मेरा शून्य देखिए कैसा सुन आली मोहे लागे वृंदावन Thank you.
समझो कि हम कृष्ण के सेवक हैं, हमारी कुश्ती भी सेवक है और ये सारा संसार कृष्ण का है। इसलिए मैं जब कोर्ट में जाता हूँ तो मुझे हजारों लाखों रुपए मिलते हैं, मैं पॉकेट में रख लेता हूँ, ये कृष्ण का ही पैसा है। और घर आता हूँ तो अपनी कुश्ती को सब रुपया दे देता हूँ, ताकि ये कृष्ण की सेवा है। और मैं समझता हूँ कि मैं कृष्ण की सबसे अधिक सेवा करता जाते हैं, इसीलिए सब रुपया कृष्ण की सेवा में। हमने कहा जिसे आपने बहुत अच्छा सोचा, तो आपने स्त्री को ही कृष्ण की सेवा कैसे क्यों समझे? आप जगत के सभी लोगों को समझिए कि ये सभी कृष्ण के सेवक, उनको भी समझिए, उनको भी समझिए, उनको भी सुनिए। रास्ते के गरीब हैं उनको भी समझिए, ये कृष्ण के सेवक हैं। आप तो वकील हैं, बहुत दिमाग वाले, तो आप समझिए। तो नहीं, ये कैसे हो सकता, ये नहीं, हमारी स्त्री ही सेविका है, उसको मैं दे देता हूँ और वो सब कुछ भगवान की सेवा के लिए। मैंने कहा आपने गलत समझा, ऐसा नहीं, आप सबको समझिए, सभी कृष्ण के सेवक। और फिर सम दृष्टि से रहिए, तब मैं समझूंगा कि हाँ आपने गुरु जी की बात सुनी। तो उस समय तो नहीं मैंने, तो हुआ क्या कुछ दिनों के बाद में उनके लड़के भी हाईकोर्ट में, उन्होंने उनसे सब कुछ लिखवा दिया अपनी सारी शब्द, उनके और भी लड़के थे, तो उसने कुछ छपबाजी करके खिला पिला करके दे करके जबरदस्ती उनको घर में बंद करके सब कुछ लिखवा, और उनको कुछ ऐसा खिला पिला दिया कि वो पागल हो गए, कहीं कहीं नहीं गए, एकदम पागल हो गए। और कुछ दिनों के बाद में ऐसे ही हाँ हाँ मैं बरा पर वकालत नहीं चलती। और एक साधारण सा आदमी जिसको कुछ बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है, घर का सारा काम करता है, गरीबों पर दया भी करता है, हृदय का बड़ा निर्मल है और सब पर भाव रखता है, जिसको जो जरूरत है उसकी सेवा करता है और कभी कभी हरिनाम भी कर लेता है, तो वो देखा कहा भाई आज हमको बुलाहट आ गई है, हमको जाना है, हमको अभी घर यहाँ पर गोबर से लीप दो नीचे और हमको कुश बिछा करके बैठा दो, सुला दो। बोला अरे आप तो भले चंगे हैं, ये झूठ मूठ आशा क्यों कराते भाई, हम जो कहें तुम करो, तो बेटों को कहें। तो उन लोगों ने गोबर लीप दिया और ले करके कुश बिछा दिया और ऊपर बैठा दिया और वो भगवान का आशीर्वाद। ऐसे जैसे सांप अपने ऊपर के क्लास को छोड़ देता है, ऐसे सहज कौन अच्छा है, वो अच्छे हैं नहीं, ये अच्छे हैं। सरल हृदय से घर में रहते हुए भी भगवान का स्मरण करके सब पर दया हो, सबका देखता है और भगवान को भी थोड़ा सा कर लेता है, प्रणाम कर लेता है, तो घर से निकलता है तो उनको प्रणाम कर, प्रभु मैं तुम्हारा। और किसी के प्रति कपटता नहीं, छल नहीं, किसी का धन नहीं हड़प लें, जो रुपये से किसी का जबरदस्ती ट्विस्ट करके ले ले पैसा, ऐसा मत करेंगे, उसकी हाय लगती है। गरीबों को कभी कभी मदद भी कर देना चाहिए तो आपकी रोजगारी और बढ़ेगी, पैसे भी मिलेंगे और आपका हृदय भी बड़ा निर्मल, जब वहाँ से आएंगे तो कहेंगे आज मैंने किसी की सहायता बहुत हृदय प्रसन्न है। इसलिए भगवान का जरूर स्मरण होना चाहिए, वहाँ पर बुद्धि और दिमाग नहीं लगता है, वहाँ पर ये रहता है कि हे प्रभु मैं तुम्हारा, बस यही उसके लिए जाने के लिए पाथे, माने यही होता है पाथे को क्या कहते हैं,
शरीर ठीक दिया है, यदि ऐसा न हो कि कहीं शरीर पंगु हो जाए, पैरालिसिस न हो जाए, फिर क्या होगा? बुद्धि धरी के धरी रह जाएगा ऐसा। इसलिए अभिषेक प्रभु से प्रार्थना, बड़े दयालु उन्होंने अच्छा शरीर दिया है, सोचने के लिए बुद्धि दिया है, काम करने के लिए शरीर दिया है, अच्छी पत्नी दिया है, बेटे दिए हैं, भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, जीवन में सुखी रहने की यही कुंजी है। मेरी हिंदी समझ आ रही है कुंजी मैंने चादा कि गौर प्रमाण
अच्छे कामों में लज्जा नहीं करनी चाहिए, चोरी करने में, घूस लेने में, बदमाशी करने में, शराब पीने में, बीड़ी सिगरेट पीने में, धूम्रपान करने में, किसी को ठगने में, इसमें दूर रहना चाहिए, इसमें लज्जा की बात। भगवान का नाम इस कारण पढ़ने संतों के समाज में रहते हैं, इस उल्लास और आनंद। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक सभा बैठी, उसमें सिंह, भालू, गधे, घोड़े, खच्चर, सुअर और सब जितने भी जानवर हैं सब प्रकार के उसमें आए। सिंह को वहाँ पर राजा बनाया गया, प्रसिद्ध है, और सभी लोग वहाँ पर बैठे। उन्होंने मीटिंग की कि आजकल मनुष्यों का उत्पात कुछ अधिक बढ़ गया है, हम निरह आदमियों को जंगल में उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ते, तभी हमारा शिकार खेलते हैं, हमारे मांस खाते हैं। हम लोगों को कभी कभी यदि भूख लगती है, कोई उपाय नहीं होता है, तो हम लोग कभी जिसमें गाय तो कभी नहीं करती, उसको भी मार करके काट करके खाते हैं। जो माँ का काम करती है, दूध देती है, सबके लिए बराबर, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, सबके लिए, बैल सबके लिए काम करते हैं, घोड़े सबके काम के लिए करते हैं, ये बकरी घास चरती है, दूध देती है मैया जैसा, और उसको भी मार करके ये खा जाते हैं, ये नमक हरामी बदमाश, तो इसका प्रतिकार होना चाहिए। अच्छा ये बतलाइए, वहाँ पर शिगाल जानते हैं, जैक वहाँ करते हैं, जैकल, उसने कहा जैसे भाई मैं ये पूछता हूँ कि ये हम लोगों से श्रेष्ठ कैसे है, मनुष्य किस विषय में श्रेष्ठ। अच्छा आप लॉजिक के द्वारा बतलाइए जो मनुष्य कैसे उन जानवरों से, गधे से, घोड़े से और सुअर से, वो कैसे लॉजिक के द्वारा हमको बतलाइए थोड़ा सा, एक दो पॉइंट। ये सुअर से, गधे और कुत्ते से मनुष्य श्रेष्ठ है, इस चीज को बतलाइए, किस विषय में श्रेष्ठ, क्या करने से श्रेष्ठ, उनके तरफ में वो आपसे सीनियर है, पीछे बतलाएंगे आप, आप बतलाइए किस लिए श्रेष्ठ है, नहीं बतला सकते। वो कहता है जैसे ये लोग कहते हैं कि श्रेष्ठ है, किंतु वो कह रहा है कि देखो हम लोग किस विषय से मनुष्य श्रेष्ठ है, वो लोग विवाह शादी करते हैं, हम लोग को बिना विवाह शादी के ऐसे ही हमारी स्त्रियां आ जाती हैं, उनको एक बच्चा पैदा होता है, हमको 16-16, 20-20 बच्चे पैदा होते हैं, एक कुत्ते को, कुतिया को भी 16 बच्चे पैदा हो जाते हैं, सुअर को भी 16 बच्चे पैदा हो जाते हैं, और उनको वर्ष में 2-3 बार भी हो जाते हैं, और उनको तो एक बार, किसी किसी को है ही नहीं है बेटा बेटी, ये रखते हैं। अच्छे खाने के विषय में दिन रात परिश्रम करते हैं, घूस लेते हैं, चोरी, बेईमानी, इधर का उधर का सब कर करके किसी प्रकार से पैसा ले आ करके खाते हैं, पीते हैं, वो भी क्या करते हैं, खाते हैं आधा खाना भोजन, तो चले जाते हैं होटल में किसी, और वहाँ पर एक डिश का दाम कितना, कितने डॉलर्स, $500, और है क्या मांस मछली, ऐसे करते हैं। और हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं, रसोई नहीं बनाते हैं, पका पकाई सुअर के लिए, जानते हैं खाना में क्या है, सुअर आदमियों का टट्टी को खा लेती है बस, उनके लिए गलीचे की सोने की जरूरत नहीं, घर भर की जरूरत नहीं है, जहाँ पर भी गड्ढे और पानी, गंदा मंदा जैसा भी, वहीं पर सो जाते हैं। 5 लड़की की 10 लड़की है या 50 लड़की, उसको चिंता नहीं, विवाह देने की दिन रात नींदी नहीं आती है, कहाँ से रुपया, कैसे लड़की की शादी करें, आप लोगों को लड़कियों की शादी में खर्च होता है कुछ, भारतवर्ष में तो एक लड़की की शादी में इतना रुपया खर्चा, जो बेचारे गरीब आदमी हो जाते हैं, उनको नींद नहीं आती है, इंजेक्शन लेते हैं, गोलियां खाते हैं, कभी नींद नहीं आती, अधिक ले लिया तो मर भी गए। तो इस विषय में हम लोगों को कोई चिंता नहीं है, न खाने की न पीने की, और वो भी अपने प्राण से डरते हैं। अभी अमेरिका ने इराक पर क्यों हमला किया, इराक उनका क्या बिगाड़ रहा था, क्या बिगाड़, किस लिए, जापान में हिरोशिमा के ऊपर में उसने लाखों लोगों को मार डाला,
क्या उसने बिगाड़ा, कंट्रोल करने के लिए उनको और उनसे कुछ अपना प्रभुत्व कायम करके अपना रहते जो डर ये कहीं हमसे बड़ा न हो जाए। अमेरिका को इस समय सबसे बड़ा डर यह है कि हमसे कोई बड़ा होकर के हमको न मार डाले, हमारे देश पर शासन न कर डाले, इसलिए पहले से ये सब करते हैं। तो जब भाई भीतर हमको भी कोई मारने आता तो हम भी डरते हैं, तो इस विषय में भी वो श्रेष्ठ नहीं है। तो किस विषय में श्रेष्ठ, एक विषय हो सकता है ये ज्ञान सुन करके पशुओं को ये सत्संग नहीं, मनुष्यों को ये सभी विचार कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि हम यह शरीर नहीं, यह शरीर आप नहीं है। आपका नाम क्या है? सच जरा बोलेंगे, झूठ मत बोलेंगे, सच बोल रहे हैं। ये शरीर का नाम है ना आपका नाम है? आपका शरीर है कि आप हैं ये शरीर? What is the difference but between you and this body? ये शरीर आप नहीं है, इसके अंदर में है, ये आपका शरीर है आप नहीं है। जैसे आपका कपड़ा, आपका कपड़ा आप नहीं है, कपड़ा नहीं है, वैसे ही आपका शरीर है इसके अंदर में है। जिस समय आत्मा निकल जाएगी ये शरीर का मूल्य नहीं, उसको जला देंगे तो अभी कोई पाप नहीं लगेगा, कोई केस नहीं होगा, और ऐसे कोई जला दे तो एकदम मर्डर के लिए केस हो जाएगा। और मरे हुए आदमी को जलाते हैं तो मर्डर केस जलेगा चलेगा नहीं, क्योंकि आत्मा निकल गई। इसलिए इस शरीर से आत्मा भिन्न है और जान करके उसको रियलाइज करने की चेष्टा करते हैं, वो मनुष्य मनुष्य है और बाकी सब पशुओं के समान है। इस रियलिटी को समझना इस ज्ञान, यही बुद्धिमत्ता है, यही लॉ और कानून और सब कुछ यही है। इस चीज की रियलिटी को समझें कि हम झूठ अभी बोल रहे हैं ना। ये आपके पिताजी हैं, ये बात ठीक है ना, सत्य है ना? आप कैसे कह सकते हैं कि ये सत्य है? आप बतलाइए हमको, कोई लॉजिक से हमको बतलाइए ये आपके पिता हैं। हैं भैया की तरफ में मत देखो आप, लैयर कैसे लैयर के पाले आप। इसलिए इस चीज को मैया के ऊपर में विश्वास करना पड़ेगा। इसी तरह से साधु संत लोग हैं जो ऊपर समझने वाले वेद शास्त्र, ये झूठ नहीं, गीता झूठ नहीं बोलेगी, मैया झूठ बोल सकती है किसी हालत में, यदि बदमाशी उसने की होगी तो झूठ बोल सकती है, किंतु गीता भागवत रामायण पुराण ये शास्त्र झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए ये समझिए आपका सौभाग्य है कि हम लोग आपके घर में आए, ये दो चार बातें बतला रहे। इसलिए तुम सवेरे जब निकलना प्रैक्टिस के लिए हमको सद्बुद्धि दीजिए, हमको स्ट्रांगनेस दीजिए, मैं सत्य की रक्षा कर सकूं। झूठ लोगों का, झूठे लोगों का, बेईमान लोगों का अधिक प्रैक्टिस ये मत करेंगे, डिफेंड मत करेंगे। जो सत्य पथ पर चल रहा उसे आपकी वकालत और बढ़ेगी, बुद्धि और का विकास होगा, रुपया भी कमाएंगे, जश भी कमाएंगे और भगवान के चरणों में आपका इस तरह से आप लोग सुखी हैं। आ रहा है समझ में? सवेरे जाएंगे प्रभु को प्रणाम करते, माता पिता को प्रणाम कर लेंगे, ऐसी लज्जा लगती है तो मनी मन में मैया का तो जोर छू लेना पड़ेगा, भगवान का जरूर मानना, नास्तिक नहीं बनना चाहिए। इस शरीर की और बुद्धि का कोई भी भरोसा कोई भी बल नहीं है। वकील के तो बात ही कहा, इतने लाखों लोगों को वकील, वो अधिकतर ब्लड प्रेशर के बीमारी होते हैं और मर जाते हैं, भगवान का नाम भी नहीं आता। तो दूसरों की चिंता करते 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 आप दूसरों की इतना चिंता मत करें, सहायता करेंगे कानूनी कि तो फ्री रहेंगे, उनका सब कुछ बर्डन लेकर के आप चिंतित होकर के अपना गरीब शरीर मत खरवाए, भगवान का स्मरण करेंगे जो कुछ मिल रहा है ठीक है, और सत्य पक्ष का जहाँ तक हो सके सत्य पक्ष का पक्ष लेंगे और प्रभु को स्मरण करेंगे, आपको इंटेलिजेंस देगा आर्गुमेंट के लिए, आपको ऐसे युक्तियां देंगे, सुखी रहेंगे आप लोग, सब सुखी रहेंगे आपको। एक कीर्तन कर दो हम लोग चलें। ठीक है, मैं बहुत खुश हुआ आपकी उन्होंने हमको बुलाया, बड़े आदर के साथ और आप लोगों से भी कच्चे हुए, आप लोग अगली बार आएंगे तो
Shiva, 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 Shi
for money, he and his wife. Because he is not, he has, only not he has done. 50%. 60% he and 40% he. 90%. और इन लोगों को भी देना चाहते थे, इन लोगों को भी my sister and mother of all. They're calling you now. It's your turn. Do you want me to tell them everything? They're not listening to me. Don't be last. They're not listening to me. You tell me. आज जो बाकी रह गया है हमने वृंदावन विलास की दी है सर वेरी मीना कुंडली 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 मिला अच्छा जैसे मारे जानो को जल्दी दस और जानो He got his first. Sundar Gopal Prabhu. Yes, yes, sir. Go, Brahman. Yes, yes, yes. All Krishna Prem for him. You guys never get on film together. Sue David. You tell me and I'll tell. Yeah, you tell us. How old? Just see 12 people that I didn't work for you. Okay, I'll go. Do you mind if I sit here? Yeah. That was me. They said, okay, done, set. Yeah.
बस Thank you. She knows what that will mean.